हेलो गाइस, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के सबसे बड़े डाउट के ऊपर कि क्या ओमिक्रॉन वायरस की वजह से फिर से स्कूल कॉलेज बंद होंगे हरियाणा के अंदर। स्पेशली हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया की नहीं कर रहे हैं। आज की जो मेरे पास अपडेट्स हैं वो हरियाणा की हैं, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं कि क्या फिर से स्कूल कॉलेज बंद होने वाले हैं ओमिक्रॉन को लेकर। तो इसके ऊपर आज सुबह एक लेटेस्ट अपडेट आई थी, साथ ही साथ हमारे जो शिक्षा मंत्री साहब हैं हरियाणा के श्री कंवरपाल गुर्जर जी, उनकी स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उन्होंने इस सवाल के ऊपर क्या कहा कि स्कूल कॉलेज बंद होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये है एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो कि आज सुबह की है। मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं 10वीं पास हूँ या अनपढ़, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ये सुन के कन्फ्यूज़ होंगे कि भाई ये क्या है। तो देखो यार, ये एक न्यूज़ है कि यहाँ पर हमारे जो शिक्षा मंत्री साहब हैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति ने ये कह दिया था कि भाई आप 10वीं पास भी नहीं हो, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हम बात कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप नीचे, यहाँ पर स्कूल कॉलेज के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है। तो चलिए इसको जूम करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा और स्कूल कॉलेज बंद होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए गाइस इस चीज़ को जूम करते हैं और ये पूरी न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रदेश में स्थिति ठीक, स्कूल अभी बंद नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, स्कूल भी कोविड नियमों के तहत खुल रहे हैं। अभी तक स्कूलों पर कोई असर नहीं दिखा है, फिलहाल स्कूलों की जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी ही चलेगी, ठीक है। और आप न्यूज़पेपर देखोगे उनमें भी ये अपडेट आई है, यानी कि ऑल ओवर यही कहा गया है कि अभी यहाँ पर स्कूल कॉलेजों को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर शिक्षा मंत्री साहब का यहाँ पर जो क्लिप है, वीडियो क्लिप, वो भी पड़ा हुआ है, वो यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा रहा कॉपीराइट रीजन की वजह से। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन अगर स्थिति यहाँ पर भयावह होती है, यानी कि अगर ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं या फिर ये ज़्यादा खतरनाक निकलता है, तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। उन्होंने अपने मुँह से ये बात कही है, आप सुन सकते हो न्यूज़ चैनल के ऊपर जाके, ठीक है। तो गाइज और उन्होंने एक बात और कही है, एक्सपर्ट से हम यहाँ पर अपडेट ले रहे हैं, यानी कि एक्सपर्ट्स के टच में हैं, ठीक है। जैसा वो कहेंगे कि भाई अब इस टाइम पे बंद कर दीजिए तो बंद भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बंद नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब बंद करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल है, ठीक है। इसीलिए गाइज अभी बंद नहीं होने वाले हैं। और बात करें विंटर वैकेशन की, तो वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। ये जो छुट्टियों की बात मैं कर रहा हूँ, ये ओमिक्रॉन की वजह से स्कूल बंद होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। विंटर वैकेशन के ऊपर जनवरी में कोई अपडेट आ सकती है तो आपको बता देंगे। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने कह दिया है कि हरियाणा के अंदर यहाँ पर स्कूल कॉलेज अभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो कोरोना है वो अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो गाइज अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।